टीवी ग्लोबल के नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मामला कायम खान। इस वक्त आपको हाफजाबाद के इलाके में लेके जा रहे हैं। ये गाड़ी आप देख सकते हैं, बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगर साहब ड्राइव कर रहे हैं। आज उस्मान साहब ने जो कहा था कि जो आज इस्तकबाल करने जा रहे हैं ये कि तारीख का इस्तकबाल होगा। आज मैं एक बात कहना चाहूँगा, एक तरफ मरियम नवाज का इस्तकबाल हो रहा है, एक तरफ हाफजाबाद की इस सरजमीन पर बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगर और तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान के कारकुनान मुहिब्बीन ऐसा इस्तकबाल कर दिया है कि लोग जनाब मोटरवे से जो है पैदल चल रहे हैं। यहाँ पर साद हुसैन रिजवी साहब इस वक्त पीछे गाड़ी पे मौजूद हैं, हम यहाँ फ्रंट से उन्हें कवर कर रहे हैं। मैं बस बोल बोल के भी थक गया हूँ, लेकिन आप मेरा गला थक चुका है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं बोलूँ। मियाँ खुरम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कैसे हवाल है जी, क्या इंतजाम? एक तरफ आज मरियम नवाज का इस्तकबाल है, साद हुसैन रिजवी साहब का क्या कहेंगे? देखें जी, पुरतबाग इस्तकबाल हुआ हाफजाबाद, क्या पूरी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इस्तकबाल है और काबिले दीद मनाजिर है। खुद उस्मान खिजर मांगट साहब ने देखे, उस्मान भाई ड्राइव कर रहे हैं, साथ भाई साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल क्या ही जबरदस्त मनाजिर है। और हम बिल्कुल उनकी गाड़ी के आगे मौजूद है और खसूसी कवरेज है जी उम्मत टीवी ग्लोबल से, और ये तमाम तर मनाजिर आपको नजर आ रहे हैं। हाफिज साद रिजवी साहब से हमारी मुलाकात भी हुई है और बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने हमें याद भी किया, कैसे हैं मियां साहब, उन्होंने कहा, और मेरे लिए खुशी की बात है। और इसके अलावा हम मेन एक इंटरव्यू भी करने जा रहे हैं इस हवाले से भी, और इंशाल्लाह वो तमाम सवाल इंतजाम आज जो बैरिस्टर साहब ने किया आप क्या कहेंगे? बैरिस्टर साहब जो है वो एक महीने से इंतजाम कर रहे थे, अब चार पाँच दिन से जितने वो एक्टिव है एक रात नहीं वो सोए, उन्होंने जो वो कहा था वो पूरा कर दिखाया। और ये वो मनाजिर है, ये वो तमाम दर सूरत हाल है जो हम लोगों से लोगों को बता रहे हैं, आगाह भी कर रहे हैं।